वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीस्टी पीस्टी पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बताऊंगा। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री की तरफ से बेटियों को 15,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा, पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, घंटे का बटन जो दिखाई दे रहा है उसको दबा दें। सबसे ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उसको आप दबा दें तो इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड, चलते हैं, उस पूरी आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड, जिस तरह आप फोटो में देख सकते हैं कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और इसके अंतर्गत बेटियों को 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, पर ये एक बार में नहीं दी जाएगी, ये 6 स्टेप्स में दी जाएगी। जब बेटी का जन्म होगा या बालिका का जन्म होगा तो उसको 2,000 रुपये मिलेंगे, और जब 1 वर्ष का टीकाकरण पूरा हो जाएगा यानी जो सुइयाँ लगती हैं वो जब पूरा हो जाएगा तब 1,000 रुपये मिलेंगे, और जब आपकी बेटी क्लास 1 में प्रवेश कर जाएगी तो जब वो उसका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप प्रूफ के तौर पर दिखा पाएंगे कि हमने बेटी का नाम लिखा दिया है क्लास 1 में, तो वहाँ पे आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। फिर क्लास 6 में 2,000 रुपये मिलेंगे, फिर 9th में जब एडमिशन हो जाएगा तब मिलेंगे 3,000 रुपये, और फिर 10वीं 12वीं जब पास हो जाएगी तो उसके बाद वहाँ पे मिलेंगे 5,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको 15,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है बता देता हूँ। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आप भी बनवा लीजिए, और आपकी जो बेटी है उसके नाम को भी बनवा लें, और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपकी जो वार्षिक आय है परिवार की आय वो 3,00,000 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो लाभ है ये 2 बच्चों को ही मिलेगा। यदि आप एक माता पिता हैं और आपका एक लड़का एक लड़की है तो उस केस में आपकी लड़की को ये लाभ मिलेगा। यदि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों लड़कियाँ हैं तो उस केस में भी आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आपके 3 बच्चे हो जाते हैं तो फिर इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह होगा, और ये कैसे होगा सारी जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ वेबसाइट देख सकते हैं, तो इस वेबसाइट का नाम है mksy.up.government.in, और इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ जाकर आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से ही रजिस्टर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो दुकान पर जाकर साइबर कैफ़े पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी वेबसाइट हमने खोल ली है, और इसकी क्या इसकी योग्यता है ये इस योजना के लिए, तो आपको बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेज वन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2019 के बाद जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है या उसके पहले भी हुआ है तो उनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे पहली बार। और फिर इस तरह स्टेजेस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टीकाकरण का प्रोग्राम है जिलों का पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे भी पैसे मिलेंगे, 1,000 रुपये वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जब टीकाकरण सुइया वगैरह लगवा लेंगे आप उसके बाद मिलेगा। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जब आपकी लड़की या आपकी जो बालिका है बेटी है वो स्टैंडर्ड 1 में यानी कि कक्षा 1 में चली जाएगी और वहाँ पर एडमिशन आप करवा देंगे तो एडमिशन के आधार पर ही आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह आगे इसमें स्टेजेस और बढ़ती जा रही है। जो स्टेज 4 है उसमें जब आपकी बेटी कक्षा 6 में पहुँच जाएगी और एडमिशन आप करा देंगे तो वहाँ पर आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। फिर स्टेज 5 के अकॉर्डिंग जब आपकी जो बेटी है वो क्लास 9 में पहुँच जाएगी और एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। और फिर इसके बाद है जब 10वां 12वां वो पास कर लेगी और बैचलर डिग्री के लिए यानी स्नातक के लिए वो अप्लाई कर देगी, एडमिशन करा देगी, तो उस सत्र के लिए 5,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 15,000 रुपये का फ़ायदा आपको मिल सकता है, और आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि इसका सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और ये योजना बहुत ही अच्छी है। और जो सरकार है वो चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर है, बेटियों को प्रोत्साहन देना चाहती है सरकार। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
तो यदि आप ये बनवाना चाहते हैं तो आप अपना भी निवास बनवा लीजिए और आपकी जो लड़की है बेटी है उसका भी आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और अच्छा रहेगा कि उसका आधार भी आप बनवा लीजिए, आपका तो आधार होगा ही, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आधार बनवा लीजिए और आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिए। और इसमें जो आय प्रमाण पत्र लिखा जाएगा तो उसमें से वो लिखा होता है कि कितने इनकम है, तो वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कि जो ये योजना है इसमें दो बच्चे जिनके होंगे उनको भी लाभ मिलेगा, और दो लड़कियाँ यदि आपके हैं, यदि सिर्फ आपकी दो लड़कियाँ ही हैं तो दो बच्चे आपके पूरे हो गए हैं तो उस केस में दोनों लड़कियों को ये लाभ मिलेगा, पर 3 लड़कियाँ हो जाती हैं तो उस केस में फिर किसी को ये लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 4 में लिखा है द साइज़ ऑफ द फैमिली, मतलब जो आपके बच्चे होना चाहिए सिर्फ दो ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें एक इन्होंने पॉइंट डाल दिया है कि यदि आपके का पहला बच्चा एक लड़की है और दूसरी बार फिर से आपके बच्चा होने वाला है और वहाँ पर दो बच्चे आपके हो जाते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उस केस में तीनों लड़कियों को वहाँ पे लाभ मिलेगा, ठीक है। जुड़वा आपके बच्चे हो जाते हैं तो उसमें एक लड़का हो है एक लड़की है तो पहली वाली लड़की को भी मिलेगा, दूसरी लड़की को मिलेगा, और यदि दूसरी बार आपके जब बच्चा पैदा होता है तो दो लड़कियाँ हो जाती हैं तो कुल मिला के 3 लड़कियाँ होती हैं तो तीनों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह के इसमें नियम शर्तें हैं, तो इस तरह के तो एग्ज़ाम्पल काफ़ी कम ही होते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि यदि आपके दो बच्चे हैं और आपने बच्चा गोद लिया है तो आपकी जो दोनों लड़कियाँ हैं उस केस में उनको भी इसका लाभ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको मैं फिर से बता देता हूँ और अच्छे तरीके से, जिससे आपको अच्छी तरह मालूम पड़ेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा। तो दोस्तों जैसा अभी मैंने बताया है कि जब आपकी बेटी का जन्म होगा तो 2000 रुपये आपको मिलेगा, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपकी जो बेटी है उसका नवीनतम फ़ोटो लगेगा, आवेदक के साथ बालिका की फ़ोटो, यानी कि जैसे आप पिता हैं या माता हैं आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके साथ में बेटी का एक फ़ोटो होना चाहिए, जॉइंट फ़ोटो होना चाहिए जिसमें आप उसको गोद में लिए हुए हैं, जिससे प्रमाणित हो कि आप वह बेटी आप ही की है। और इसमें क्या लगेगा, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र लगेगा, वो आप चले जाएंगे कचहरी में, वहाँ बता देंगे कि इस योजना के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आपको शपथ पत्र लिखवाना है तो वो लोग बना देंगे, और जन्म प्रमाण पत्र लगेगा बेटी का, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तभी आपको 2000 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों आगे मैं बता देता हूँ पूरा, और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा और उसमें पूरी तरह बताऊँगा कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, मोबाइल पर कर सकते हैं या लैपटॉप पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जन्म वाला मैंने बता दिया है। अब जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो 1000 रुपये आपकी बेटी को मिलेंगे यानी कि आपको मिलेंगे, तो टीकाकरण पूरा होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो आपकी बेटी है उसका नवीनतम फ़ोटो लगेगा और आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फ़ोटो यानी कि आप अपनी बेटी को लिए हुए होंगे और वो फ़ोटो होनी चाहिए, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र होना चाहिए और टीकाकरण का कार्ड होना चाहिए। तो टीकाकरण के कार्ड पर उसमें सभी टीक होंगे कि आपने सभी टीके लगवाए हैं। अब चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें जब आपकी बेटी कक्षा एक में यानी कि प्रथम में जब पहुंच जाएगी, क्लास फर्स्ट में पहुंच जाती है तो वहां पर 2000 रुपये आपको मिलेंगे। तो वहां पे भी बालिका का या बेटी का नवीनतम फ़ोटो रहेगा, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फ़ोटो यानी कि यदि आप पिता हैं तो आपका बालिका के साथ फ़ोटो होना चाहिए, एक जॉइंट फ़ोटो होना चाहिए, और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है कक्षा पहली के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जब आप अपनी अपनी बेटी का एडमिशन करा देंगे क्लास 1 में तो वहाँ पे प्रमाण पत्र आप एक बनवा लेंगे स्कूल से, वो भी लगेगा, और जो आपका आधार कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, और बता देता हूँ, तो क्लास 6 में कक्षा 6 में जब आपकी बेटी पहुँच जाएगी तो वहाँ आपको 2000 रुपये मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वही रहेगा, नवीनतम फ़ोटो रहेगी, आवेदक के साथ बालिका की फ़ोटो रहेगी, आपकी आपकी बेटी के साथ फ़ोटो रहेगी, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ प्रमाण पत्र रहेगा। और दोस्तों जब कक्षा 6 में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद प्रमाण पत्र आप स्कूल से बनवा लेंगे कि हाँ ये लड़की, हाँ आपकी जो बेटी है इस स्कूल में पढ़ रही है और 6 में एडमिशन ले चुकी है, तो वही प्रमाण पत्र लगेगा और आपके आधार की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। इस तरह इसके स्टेप वाइज है। और फिर जब आपकी जो बेटी है वो 9 में पहुँच जाएगी
क्लास 9th में पहुंच जाएगी तो 3000 रुपये मिलेगा। वहाँ पे भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, नवीनतम फ़ोटो लगाना है, संयुक्त फ़ोटो होना चाहिए और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र होना चाहिए। और 9th के में एडमिशन ले लिया है इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। फिर दोस्तों इस तरह स्टेज आगे बढ़ रही है और 10वां 12वां जब पास कर लिया और जब स्नातक में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और वो स्नातक कम से कम 2 वर्षीय होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो स्नातक, तो ज़्यादातर लोग तो बीए बीएससी बीकॉम करते हैं तो वो 3 साल का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आपको 5000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, जो आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फ़ोटो जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, वो लगेगा। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लगेगा और 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी और उसका प्रमाण पत्र लगेगा। तो फ्रेंड्स आजकल जो मार्कशीट बनती है उसमें प्रमाण पत्र भी होता है, मार्कशीट दोनों होती है, और संस्था की आईडी लगेगी। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो परिचय पत्र होता है, किसी भी डिग्री कॉलेज में आपकी बेटी पढ़ती है तो परिचय पत्र बनता है, आप लोग जानते होंगे, तो वही लगेगा यहाँ पर। और डिग्री डिप्लोमा में प्रवेश कर चुके हैं उसकी रसीद लगेगी, जिसमें शुल्क लिखा रहेगा कि हाँ इन्होंने प्रवेश ले लिया है, और आपके आधार की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।